हैदराबाद में टी राजा के पैगंबर मोहम्मद के ऊपर किए गए आपत्तिजनक बयान के कारण अभी तक तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसे लेकर हैदराबाद में कई जगह से दंगे होने तक की सूचना प्रशासन को मिली है। इसी तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए अब AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने शांतिपूर्ण रूप से जुमे की नमाज सुनिश्चित करने की अपील वहाँ की आवाम से की है और उन्होंने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद पर उनकी टिप्पणी पर बीजेपी नेता टी राजा सिंह को हिरासत में लेने और निलंबित करने की उनकी सबसे बड़ी मांग पूरी हो गई है और हैदराबाद पुलिस द्वारा टी राजा सिंह को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है। इसीलिए मैं सभी लोगों से जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा करने की अपील करता हूं। वीडियो में ओवैसी साहब ने हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शांति की अपील करते हुए कहा है कि मैं आप सभी से जुमे की नमाज के बाद ऐसा कोई नारा नहीं लगाने का भी आग्रह करता हूं, जिससे देश के सौहार्द में बाधा आए, बस शांति कायम रहे। उन्होंने कहा, हमारी सबसे बड़ी मांग उसे गिरफ्तार करने की पीडी अधिनियम के तहत पूरी की गई है। मैं सभी से शांतिपूर्ण जुमे की नमाज सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं। वहीं आपको बता दें कि राजा सिंह के मामले में अब पुलिस का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राजा सिंह आदतन भड़काऊ भाषण दे रहे थे और राजा सिंह उन्हें यूट्यूब पर भी पोस्ट कर रहे थे, जिसके कारण हैदराबाद शहर और तेलंगाना के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे और राज्य में दो समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया था, जिसके चलते उसे इससे पहले इस मंगलवार को हिरासत में लिया गया था। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था, लेकिन अब राजा सिंह के खिलाफ दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 295 और 505 के तहत FIR दर्ज की गई है और उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मुस्लिम समुदाय के बीच राजा सिंह की गिरफ्तारी को एक बड़ी जीत बताया जा रहा है और इसका सारा श्रेय मुस्लिम समुदाय के लोग AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी को ही दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी साहब की शांति की अपील अपने आप में ही उन्हें एक बड़ा और लोकतांत्रिक नेता साबित करती है, जो देश के लिए अपने कर्तव्यों को कभी भी नहीं भूलते। इस खबर में सिर्फ इतना ही, ऐसी और भी खबरें पाने के लिए MIM न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें।